स्वाति मालीवाल का आरोप, दिल्ली सीएम हाउस में मुझसे मारपीट, केजरीवाल के पीए ने पीटा, पुलिस बोली सांसद ने दो बार फोन कर जानकारी दी। आपकी राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया। दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस बारे में सुबह करीब 9:30 बजे सीएम हाउस से मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस सिविल लाइन्स स्थित सीएम हाउस पर पहुंची दिल्ली डीसीपी मनोज मीणा ने बताया कि सुबह 9:30 बजे सिविल लाइन्स थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने कहा कि उसके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई है। कुछ देर बाद सांसद मैडम थाने आईं, लेकिन बाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गईं। पुलिस ने कहा कि कॉलर ने अपना नाम आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पीए विभव कुमार पीट रहा है। ये कॉल सीएम हाउस से की गई। पुलिस को पीसीआर पर ऐसे दो कॉल आए। इसके बाद दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची, हालांकि मौके पर स्वाति नहीं मिली। जब पुलिस सीएम हाउस पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां से जा चुकी थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती है। पीसीआर कॉल की सच्चाई क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में स्वाति अगर शिकायत देती है तो पुलिस केजरीवाल को भी मुकदमे में आरोपी बना सकती है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अगर ये सच है तो भाजपा इसकी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही बनती है। अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, एक महिला सांसद के ऊपर अगर इस तरह की बात हुई है तो आपके बाकी नेताओं को खोलना चाहिए। देश के जो बाकी बुद्धिजीवी जाग जाते थे, आज उन्हें भी जागकर बोलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे। किसने पीटा, किसने पिटवाया, क्या कारण थे और ये फूट कहां तक जाएगी। जब अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को फिर जेल जाएंगे। घटना पर भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल के पीए को दुष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि वो राजधानी में आपके बारे में तब से सब कुछ जानती है जब वे खुद पार्टी की सदस्य थी। इल्मी ने कहा कि आपके भीतर गंदगी है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले पार्टी में थी। मैं जानती हूँ कि आप कैसे काम करती है। इस तरह की पहली घटना नहीं है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को दावा किया कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। ये घटना सीएम हाउस में हुई, लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।